पतंजलि फूड्स का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 3 गुना बढ़ा। पतंजलि फूड्स ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ में 3 गुना वृद्धि दर्ज की, जो 263 करोड़ रुपए रहा। खाद्य और FMCG खंड ने 1,953.55 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जो कंपनी के परिचालन से कुल राजस्व में 26.77% का योगदान देता है। आदित्य बिड़ला समूह ने इंद्रिया के साथ भारतीय आभूषण बाजार में कदम रखा। आदित्य बिड़ला समूह ने अपने ब्रांड इंद्रिया के लॉन्च के साथ 6.7 लाख करोड़ रुपए के भारतीय आभूषण खुदरा बाजार में प्रवेश किया है। चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि यह कदम समूह के लिए एक स्वाभाविक विस्तार है, जो 20 से अधिक वर्षों से फैशन रिटेल और लाइफस्टाइल उद्योग में है। ITC, FMCG और पेपर बोर्ड क्षमता का विस्तार करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ITC ने अपनी FMCG और पेपर बोर्ड क्षमता का विस्तार करने के लिए अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना की घोषणा की है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी ने उल्लेख किया कि ग्रामीण बाजार में मांग परिदृश्य पर नजर रखी जा रही है और बेहतर मानसून पुनरुद्धार में मदद करेगा। RBI ने भारत के कुशल श्रम के अग्रणी आपूर्तिकर्ता बनने के साथ प्रेषण में वृद्धि का अनुमान लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अनुमान लगाया है कि भारत के कुशल श्रम का दुनिया का अग्रणी आपूर्तिकर्ता बनने के साथ प्रेषण में वृद्धि होगी। इससे आने वाले वर्षों में प्रेषण में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स JB केमिकल्स में KKR की हिस्सेदारी हासिल करेगी। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स JB केमिकल्स में KKR की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है। इस अधिग्रहण से क्रॉनिक थेरेपी में टोरेंट के पोर्टफोलियो में इजाफा होने की उम्मीद है। मैकडॉनल्ड्स ने 3 वर्षों में पहली बार वैश्विक बिक्री में गिरावट दर्ज की है। मैकडॉनल्ड्स ने 3 वर्षों से अधिक समय में पहली बार वैश्विक बिक्री में गिरावट दर्ज की है, जो इसके प्रदर्शन में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज ने पोलो लैब्स के डायग्नोस्टिक व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा किया। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज ने अपनी सेवा पेशकश का विस्तार करते हुए पोलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजिकल सेवा व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। ओबेरॉय रियल्टी ने बांद्रा भूमि पुनर्विकास के लिए विकास समझौता किया। ITD सीमेंटेशन को नई दिल्ली में आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए 1,237 करोड़ रुपये का अनुबंध प्राप्त हुआ है। ITD सीमेंटेशन को नई दिल्ली में आवासीय कॉलोनी द्वितीय चरण के निर्माण के लिए लगभग 1,237 करोड़ रुपए का अनुबंध प्राप्त हुआ है।